नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 20 जनवरी 2018। स्वागत है आपका प्रीमियम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज आई क्रिएट सेंटर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आई क्रिएट सेंटर का उद्घाटन किया था। अहमदाबाद में है आई क्रिएट सेंटर। ये एक इंडिपेंडेंट सेंटर है। ये सेंटर एंटरप्रेन्योर्स यानी उद्यमियों के लिए एक इनेबलिंग इकोसिस्टम को डेवलप करता है। यानी आई क्रिएट सेंटर हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर्स की मेंटरशिप में, फाइनेंशियल असिस्टेंस में, गाइडेंस में, इन सब चीजों में हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर्स की, ताकि एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, इन सब चीजों की सहायता से नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकें कई सारे क्षेत्रों में, खासकर फूड सिक्योरिटी, वाटर कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स। तो इन सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योर्स नई नई एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकें, इसीलिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार करता है ये आई क्रिएट सेंटर। इंडिपेंडेंट सेंटर है और अहमदाबाद में है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल निर्माण संवाद के बारे में है। एक दिन का मेगा कॉन्क्लेव है जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। इस कॉन्क्लेव में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बीच में इंटरेक्शन हुई। मुद्दा था, फोकस था कैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स को इंप्लीमेंट किया जाए, रेलवे प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में जो भी बाधाएं हैं, जो भी बोटलनेक्स हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। रेलवेज के अंदर एक स्पेशल ब्रांच है रेलवे के प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। उस ब्रांच का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL। RVNL ने इस निर्माण संवाद कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया दिल्ली में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ललित कला एकेडमी नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट से संबंधित है। ये एक एनुअल इवेंट है। हर एक साल ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जाता है ललित कला एकेडमी के द्वारा। इस एग्जीबिशन में डाइवर्स आर्टिस्ट, जैसे पेंटिंग से संबंधित जो आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स, ड्रॉइंग, इंस्टॉलेशन, मल्टीमीडिया, इन सभी फील्ड से संबंधित, इन सभी आर्ट से संबंधित जो आर्टिस्ट हैं, वो अपनी अपनी आर्ट को एग्जीबिट करते हैं इस एग्जीबिशन में। थोड़ा सा देख लेते हैं हम ललित कला एकेडमी के बारे में। कल हमने संगीत नाटक एकेडमी के बारे में डिस्कस किया था, आज ललित कला एकेडमी के बारे में डिस्कस करते हैं। ललित कला एकेडमी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है पता ही होगा आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है ललित कला एकेडमी। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1954 में, 1954 में। दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर वैसे दिल्ली में है, लेकिन रीजनल सेंटर्स काफी जगह पे है, जैसे भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, शिमला। नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइन आर्ट्स यानी ललित कला को प्रमोट करने के लिए। देखो, ललित कला वो कला होती है यानी विजुअल आर्ट्स, जिसको आप आंखों से अप्रिशिएट कर सकते हो, जैसे पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स, इन सबको आप आंखों से देख के अप्रिशिएट कर सकते हो, तो ये ललित कला है। ललित कला को प्रमोट करने के लिए देश के अंदर भी और देश के बाहर भी नोडल एजेंसी है ललित कला एकेडमी, और हर साल एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करती है नेशनल एग्जीबिशन ऑफ फोटोग्राफी एंड आर्ट, जिसके कंटेस्ट को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल था ललित कला एकेडमी के बारे में। चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले आप दो सिंपल क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। INSV तारिणी क्या है और नाविका सागर परिक्रमा क्या है? INSV तारिणी, नाविका सागर परिक्रमा। तो देखो, INSV तारिणी ये हमारी नेवी का वेसल है, फुल फॉर्म है INSV की, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। इस वेसल को गोवा के इक्वेरियस शिपयार्ड्स में तैयार किया गया है। काफ़ी मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगे हैं, सैटेलाइट के माध्यम से बात की जा सकती है किसी से भी। रिसेंटली नेवी ने इसे इंडक्ट किया था अपने बेड़े में। तो अब देखो, नाविका सागर परिक्रमा एक मिशन है। इस मिशन में हमारी नेवी के 6 वुमन ऑफिसर्स पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं, और पिछले साल ये उनका ये मिशन स्टार्ट हुआ था। अभी वो चिली के पास जो ड्रेक पैसेज है, काफ़ी खतरनाक है, इस पैसेज को उन्होंने पार कर लिया है। लोकेशन आप देख लीजिए ड्रेक पैसेज की, यहां पे है। देखो ड्रेक पैसेज, ऊपर साउथ अमेरिका है, नीचे अंटार्कटिका पेनिनसुला है। ये पूरा मैप देखिए, मान लीजिए ये साउथ अमेरिका है, तो यहां पे है ड्रेक पैसेज, उसके नीचे अंटार्कटिका आ जाएगा, यानी ऊपर साउथ अमेरिका, नीचे अंटार्कटिका। ड्रेक पैसेज इसलिए काफी खतरनाक है, एक तो देखो यहां पे वेदर काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है, इसलिए पानी भी वोलेटाइल रहता है। इसके अलावा अंटार्कटिका नजदीक है, इसीलिए रुक रुक के आइस ब्लॉक्स रास्ते में आते रहते हैं, तो टक्कर ना हो जाए आइस ब्लॉक्स के साथ संभल के चलना पड़ता है, इसीलिए काफी खतरनाक है ये ड्रेक पैसेज। अब ड्रेक पैसेज को पार कर लिया है नाविका सागर परिक्रमा मिशन में हमारी नेवी के 6 वुमन ऑफिसर्स ने। तो कहां से वो चले थे? गोवा से चले थे वो पिछले साल, अब यहां से होके वापस आ रहे हैं, वो यहां चिली में पहुंच गए हैं, साउथ अफ्रीका के बाद ऐसे इंडिया में आएंगे, अप्रैल में वो पहुंच जाएंगे वापस गोवा में। तो ये पूरा मिशन था नाविका सागर परिक्रमा मिशन। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में है।
हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह स्कीम चलाई थी। क्या कंटेस्ट है? अभी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंदर एंटीनेटल चेकअप का जो आंकड़ा है वो 1 करोड़ क्रॉस कर गया है। सबसे ज्यादा वुमन का एंटीनेटल चेकअप हुआ महाराष्ट्र में। तो इस स्कीम के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी जन्म के समय मदर की जो डेथ हो जाती है उस रेट को कम करना। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, बच्चे के जन्म के बाद 1 साल के अंदर अंदर जब बच्चे की डेथ हो जाती है उस रेट को कम करना, ये मकसद है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का। तो ये स्कीम फोकस करती है प्रेग्नेंट वुमन हर महीने की 9 तारीख को गवर्नमेंट द्वारा आइडेंटिफाइड जो क्लिनिक्स है वहां पे जाके अपनी पूरी जांच करवा सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि बच्चे के जन्म के समय मदर्स को कोई दिक्कत ना हो और जो बच्चा पैदा हो वो भी सुरक्षित पैदा हो। इसीलिए गवर्नमेंट इस स्कीम के माध्यम से गारंटी देती है कि प्रेगनेंसी के दूसरी और तीसरी तिमाही में हर एक वुमन को एंटीनेटल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। एंटीनेटल केयर, देखो, वो केयर होती है जब प्रेगनेंसी के दौरान जो केयर दी जाती है, और इस स्कीम में प्राइवेट सेक्टर को भी एंकरेज किया जा रहा है कि गवर्नमेंट के इस अभियान में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए वो भी सहयोग दें। डॉक्टर से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप भी गवर्नमेंट द्वारा जो आइडेंटिफाइड हेल्थ क्लिनिक्स हैं वहां विजिट करें और एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करें प्रेग्नेंट वुमन को। तो ये पूरा आर्टिकल था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र हमारे देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने ऑर्फेंस के लिए 1% रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने डिक्लेयर किया है कि हम 1% रिजर्वेशन देंगे ऑर्फेंस को, यानी अनाथ लोगों को। आगे पीआईबी है, देख लेते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आज कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। नेशनल पावर पोर्टल, पिछले साल सरकार ने लॉन्च किया था नेशनल पावर पोर्टल को। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA नोडल एजेंसी है नेशनल पावर पोर्टल को इंप्लीमेंट करने के लिए। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप पावर सेक्टर से संबंधित तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखेगा, डैशबोर्ड में आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि इंडिया में कौन से एरिया में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कौन से सोर्स से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो रही है। ये सारी तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है पावर सेक्टर से संबंधित वो आप जाके प्राप्त कर सकते हो नेशनल पावर पोर्टल की सहायता से, वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हो। इससे पहले पावर सेक्टर से जुड़े जो कई सारी एप्स थी जैसे तरंग, उजाला, विद्युत प्रवाह, गर्व, इन एप्लीकेशंस के लिए ये पोर्टल एक सिंगल पॉइंट इंटरफेस का काम करेगा। और देखो, इस पोर्टल की सहायता से पावर सेक्टर से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पावर सेक्टर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, प्लानिंग भी कर सकते हैं, देख सकते हैं मैप में कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कौन से सोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस वे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, कहाँ पे हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी का डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है। तो तमाम तरह की जानकारियाँ जब इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगी तो प्लानिंग आसानी से हो सकेंगी। ये पूरा आर्टिकल था नेशनल पावर पोर्टल के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल नेशनल फार्माक्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? रिसेंटली नेशनल फार्माक्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 33 फार्माक्यूटिकल ड्रग्स के सीलिंग प्राइस, यानी मैक्सिमम प्राइस को डिक्लेयर कर दिया। मैक्सिमम प्राइस का मतलब ये होता है कि जिन कंपनीज के वो ड्रग्स हैं वो कंपनीज अब उन ड्रग्स की कीमत जो है वो मैक्सिमम प्राइस से ऊपर नहीं रख सकते। तो इस बॉडी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, नेशनल फार्माक्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। सबसे पहले ये बताइए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में ये बॉडी आती है? तो देखो, मेडिसिन से संबंधित है, हेल्थ मिनिस्ट्री में आती होगी? नहीं, गलत हो जाएगा, यहां पे गलती मत कीजिएगा। ये बॉडी आती है डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1997 में। काम क्या है? जो फार्माक्यूटिकल ड्रग्स हैं उनके सीलिंग प्राइस, मैक्सिमम प्राइस को डिफाइन करती है ये बॉडी, नेशनल फार्माक्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। कौन से एक्ट के अंदर? ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स 1995 के अंदर, और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1997 में। और क्या क्या काम है? और काम ये है, इस बॉडी के गवर्नमेंट को राय देती है, ड्रग पॉलिसी से संबंधित राय देती है गवर्नमेंट को, फार्माक्यूटिकल ड्रग्स से संबंधित कोई रिसर्च होती है तो उसको प्रमोट करती है ये बॉडी। इसके अलावा ये भी देखती है कि अवेलेबल कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ड्रग्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं है, शॉर्टेज को आइडेंटिफाई करती है, अगर शॉर्टेज है तो शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, गैप को फिल करने के लिए अपनी तरफ से मेजर्स भी लेती है। तो ये सब काम है नेशनल फार्माक्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया आई क्रिएट के बारे में। ये बताइए आई क्रिएट किस लिए है? क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में रिवाइज करते हैं। आई क्रिएट, देखो, एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करेगा, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटर है। आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निर्माण संवाद क्या है बताइए?
निर्माण संवाद जो है वो एक दिन का मेगा कॉन्क्लेव है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ। और किसके द्वारा ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया? रेल विकास निगम लिमिटेड, रेलवेज में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग से आम है। अच्छा ये बताइए ललित कला क्या होता है? ललित कला होता है विजुअल आर्ट्स, जो हम आंखों से देख के अप्रिशिएट कर सकते हैं, जैसे फोटो, पेंटिंग वगैरह, ग्राफिक्स, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो ललित कला के अंदर आती हैं। INSV तारिणी के बारे में हमने देखा, नाविका सागर परिक्रमा के बारे में हमने चर्चा की। अच्छा एक बात बताइए कि जो ड्रेक पैसेज हैं क्या साउथ अमेरिका और आर्कटिक ओशन को आपस में जोड़ता है? नहीं, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में है ड्रेक पैसेज। ये देखो नीचे अंटार्कटिका है, आर्कटिक नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में बात की। प्रेग्नेंट वुमन हर महीने की 9वीं तारीख को गवर्नमेंट द्वारा आइडेंटिफाइड जो हेल्थ क्लिनिक्स है वहां पे जाके एंटीनेटल चेकअप करवा सकती हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस किया। महाराष्ट्र हमारे देश में पहला राज्य होगा जो ऑर्फन्स को यानी अनाथ लोगों को रिजर्वेशन देगा। PIB में हमने डिस्कस किया नेशनल पावर पोर्टल को। ये बताइए नेशनल पावर पोर्टल के लिए इंप्लीमेंटिंग या नोडल एजेंसी कौन है? जल्दी बताइए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA नोडल एजेंसी है नेशनल पावर पोर्टल के लिए। नेशनल फार्माक्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है जहां पे गलती हो सकती है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।